एक्सेल में इस तरह की टू डू लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेटस वाले सेल्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से ऑल्ट एन सी बी दबाइए तो ये चेकबॉक्स इंसर्ट कर देगा। इसके बाद आपको इन सबको सेलेक्ट करना है एंड कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट एच एल एन, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन कर देगा। अब आपको यहाँ पे यूजर फॉर्मुला में जाके यहाँ पे एंटर करना है इक्वल्स टू इस वाले फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है एंड दो बार कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है तो ये सिर्फ कॉलम बी को लॉक कर देगा। इसके बाद फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में आप बोल्ड कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो एंड यहाँ फिल में कोई भी कलर चूज कर लीजिए एंड ओके प्रेस कर दीजिए एंड अगेन ओके। अब कंप्लीटेड टास्क के लिए आपको फॉर्मूला एंटर करना है इक्वल्स टू काउंट एफ, इन सबको सेलेक्ट करना है कॉमा, जिस चेकबॉक्स पे टिक मार्क होगा उसको काउंट करने के लिए आपको ट्रू एंटर करना है एंड एंटर, एंड पेंडिंग के लिए आपको फॉल्स यूज करना है इक्वल्स टू काउंट एफ, इसको सेलेक्ट करना है कॉमा फॉल्स एंड एंटर। नाउ कंप्लीटेड टास्क का परसेंटेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला एंटर करना है इक्वल्स टू कंप्लीटेड टास्क डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है काउंट ए एंड इन सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और इसको परसेंटेज में करने के लिए आप ऑल्ट एच पी दबाइए। नाउ अब जैसे आप इनको चेक करते हो तो आप देखोगे नीचे काउंट एंड परसेंटेज दोनों चेंज हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।